सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव गोयल द अकूस्टिक बनियान। आज जो हम करने जा रहे हैं, इट इज अनबॉक्सिंग द न्यूली अराइव्ड इंटर्न INT38C का हमारा जो पैकेज मेरे पास आया है। ऑल दो वीडियो आ जानी थी 3-4 दिन पहले, बट यार वो गिटार जो मेरे को रिसीव हुआ, इट वॉज ब्रोकन, उसकी एक स्ट्रिंग मिसिंग थी। सो उसकी क्लिप्स शेयर करूँ ना करूँ देखता हूँ मैं बाकी, लेकिन हाँ, सो मेरे को उसको रिटर्न करने में एंड इसको वापस रिप्लेस करवाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो यार इंटर्न का ये वाला गिटार जो है अपना एकदम बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा गिटार माना जाता है, बिकॉज चीप है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन अगर आप स्टोर्स को चेक करते हो, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट गिटार्स अवेलेबल ऑनलाइन फॉर बिगनर्स इन इंडिया। दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दिस गिटार। बाकी का देखते हैं अनबॉक्स करके, बिकॉज इसके बारे में सुना मैंने काफ़ी है, काफ़ी बिगनर्स को यूज़ करते हुए देखा है, अपने आसपास भी एक दो लोगों को मतलब मैंने देखा हुआ है कि हाँ वो इंटर्न के गिटार यूज़ कर रहे होते हैं, एंड उनसे सुना है कि हाँ दे हैव यूज़ दिस गिटार और दे आर यूजिंग दिस गिटार। सो फिलहाल देखते हैं कि कैसा हमारे गिटार होने वाला है। तो अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करने से पहले बस ये कहूँगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए एंड तक देख लो पहले, पसंद आए तो लाइक भी कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइस शुरू करते हैं हमारी पहले अनबॉक्सिंग से। सो देखो पहले तो इसमें प्लास्टिक रैप ही है हमारा सारा, जो कि इसको कवर करे बैठा है। मैंने लास्ट वीडियो में इसकी बॉक्सिंग की तारीफ करी थी, और जब वो खुला तो टूटा हुआ निकला था, इसलिए मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि बहुत नाइसली पैक्ड है या फिर कुछ है, ठीक है। सो अभी के लिए लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सो फिलहाल प्लास्टिक रैप साइड करा, एंड बॉक्स देख के अब तो बार मतलब हालात ठीक लग रहे हैं मेरे को इसके काफ़ी ज़्यादा। सो हियर इट इज़, अपना गिटार ये रहा यार। तो सबसे पहले आपके बॉक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो मैं आपको बताता हूँ। अ गिटार, दैट्स ऑब्वियस, ठीक है, पहले इसी को चेक कर लेते हैं, क्या पता इस बार भी मेरे को कोई सरप्राइज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड हाँ, मेरे को बताना ज़रूर अगर तुम टूटे हुए गिटार की भी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो, ठीक है। इट वॉज अ मोमेंट, लाइक मैंने अनबॉक्स करा एंड वो टूटा हुआ निकला। सो हाँ, गिटार तो ठीक है अपना, ठीक है। सो हेज आर फर्स्ट लुक ऑफ द इंटर्न INT38C मैट ब्लैक कलर में, जो मैंने मंगाया था बिकॉज बहुत ज़्यादा डिसेंट कलर लग रहा था। सो मैंने इसको ऑर्डर करा था 2925 की रेंज में अराउंड, एंड अभी फ़िलहाल वीडियो शूट करते हुए एक लाइटिंग डील आ रही है। सो मेरे को नहीं पता है कब तक चले, बट उसमें इसका प्राइस 2500 आ रहा है लाइटिंग डील में। अनट्यून्ड है वायर्स, ठीक है, इसको ट्यून करेंगे, पूरा टचअप देंगे अच्छी तरह से। सो फिलहाल गिटार हमारा ये रहा, और कुछ अगर इस बॉक्स में अवेलेबल है हमारे पास सो वो भी देख लेते हैं। देन इसके बाद एक बैग अवेलेबल है हमें, गिटार बैग, दैट्स ऑब्वियस, ठीक है, ये रहा हमारा गिटार बैग कुछ ऐसा पूरा। देन इसके बाद हमारी अगली चीज़ जो इसमें अवेलेबल होगी हमें होगी एक गिटार स्ट्रैप। सो गिटार स्ट्रैप मेरे को ठीक ठाक क्वालिटी की लग रही है जहाँ तक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई गल नहीं, ओके ही है, बहुत ज़्यादा जान तो नहीं है इसमें बट ओके ही है बस। हाँ चला सकते हो इसको, ऐसी स्ट्रैप है इसकी, ओके है, मतलब तुम 2500 में तुम्हें गिटार भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एंड साथ ही साथ तुम्हें एक स्ट्रिंग्स का पैकेट भी मिलेगा, ऑल दो इसकी स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं बट आई डोंट नो, अभी फिलहाल चेक करते हैं। सो स्ट्रिंग्स का पैकेट भी हमें एक साथ में मिला हुआ है, 6 स्ट्रिंग्स का पैक, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स अगर तुम्हारी टूट जाएँ तो, बट हाँ नहीं है तो वो शायद अभी तो नहीं टूटेंगी, बाकी देखते हैं कैसा हमारा रहता है गिटार का परफॉर्मेंस, हमारी गिटार की आवाज़, टोन, फील, सारा कुछ चेक करते हैं। सो फिलहाल अभी इसको मैं एक बार ट्यून कर लेता हूँ और सुनाता हूँ आपको कि गिटार के हमारी इंटर्न INT38C की आवाज़ आखिर कैसी है, तो उस पर नज़र डाल लेते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा गिटार जो है वो ट्यून एंड चेक हो चुका है। सो मैंने इस पूरे गिटार में क्रैक्स वगैरह चेक करे, एंड एक दूसरी चीज़ की हाँ ये डेमी कट में है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी मैंने एकदम से ध्यान दिया कि डेमी कट में। सो या नीचे के फ्रेट्स में भी इस गिटार को प्ले करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। सो हाँ क्रैक्स वगैरह कुछ नहीं थे, एकदम ओके रिपोर्ट थी अपने गिटार की। एक चीज़ अगर मेरे को अच्छी और बुरी लगी सो वो थे इस गिटार के ट्यूनर पेग्स। ट्यूनर पेग्स के अंदर दिक्कत ये आई कि अच्छी चीज़ ये थी कि ये बहुत स्मूथ थे, लाइक मैंने जुआरिस के गिटार का रिव्यू करा था तो उसमें वो इतने ज़्यादा टाइट थे कि मेरे को एक्चुअली बीच में लग रहा था कि हमारी जो है स्ट्रिंग्स ही ब्रेक हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ इंटर्न के गिटार में बिकॉज दे वर एक्चुअली स्मूथ। बस इसका जी और ई वाला ट्यूनर पेग हमारा थोड़ा सा टाइट है, बाकी सारे एकदम स्मूथली वर्क कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ मेरे को अगर इसमें कुछ लगी तो वो ये लगी कि इसका फ्रेट बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, लाइक मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, शायद जिनको आदत है वो आदत भी डाल लेते हैं, बट मैंने जैसे स्टार्टिंग से थोड़ा सा पतले फ्रेट बोर्ड्स के गिटार पकड़े हैं, तो हाँ मेरे को उनको ज़्यादा होल्ड करने की आदत है, बट मेरे को इसका थोड़ा सा फ्रेट बोर्ड जो है मोटा लगा। तीसरी चीज़ इसमें लगी कि ट्यूनर पैक्स की टीथ कंट्रोल ज़्यादा अच्छी नहीं, टीथ कंट्रोल यानी स्ट्रिंग्स को फंसा के रखने की चीज़, वो थोड़ी सी कम लगी, बिकॉज जब मैं इसको ट्यून भी कर रहा था, सो ई ए डी को ट्यून करने के बाद जब मैं जी बी और ई को ट्यून कर रहा था, इतनी देर में ई ए डी हमारी हल्की सी अनट्यून हो चुकी थी, मतलब हल्की नहीं काफ़ी ज़्यादा ऑफ ट्यून हो चुकी थी, सो उनको बार बार ट्यून करना पड़ रहा था, अभी भी आई डाउट, हाँ हल्की सी डी वाली हमारी अभी भी हल्की सी अनट्यून हो गई, तो ये एक छोटा सा इशू लगा कि मतलब बार बार स्ट्रिंग्स को जो है आपको ट्यून करना पड़ेगा, मतलब जब भी आप गिटार को लेके बैठोगे आपको एक बार ट्यून करना पड़ेगा, हर बार चेक करना पड़ेगा। एंड हाँ स्टार्टिंग की मतलब नई नई स्ट्रिंग्स में थोड़ा सा इशू आता है, बट वो थोड़ा आता है, इसका थोड़ा ज़्यादा आ रहा है जल्दी। एक चीज़ मेरे को लगी, मेरे को पहले लगा था कि जो मेरा ब्रोकन पीस आया था गिटार का, उसमें मेरे को लगा था शायद ये पूरा पीस ही डिफेक्टिव है, बट नहीं, इंटर्न के गिटार्स में अगर आप हल्का सा देखोगे कभी, सो फ्रेट बोर्ड आपका जो है वो हल्का सा ऐसे है कर्व में, मतलब हल्का सा यू वाला कर्व है, हल्का सा बहुत लाइट, तो उससे फ़र्क क्या आता है जब मैं फर्स्ट फ्रेट को प्ले करता हूँ, ये जो आपकी साउंड आती है हल्की सी म्यूट साउंड आती है, ये देखिए, और इसको एकदम आगे से प्ले करता हूँ तब ये क्लियर होती है, तो ये हल्का सा जो मड़ी वॉइस आ रही है ये इसीलिए आ रही है बिकॉज आपके हल्के से फ्रेट बोर्ड के अंदर कर्व है, एंड मेरे को लगा था ये शायद वो पीस ही डिफेक्टिव हुआ, बट नहीं, इंटर्न के इस वाले गिटार के अंदर भी वो चीज़ है, तो हाँ इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा कि फर्स्ट फ्रेट पर आपका सिर्फ फर्स्ट फ्रेट का इशू है, सेकेंड से आपका सारा ओके है, सो सिर्फ फर्स्ट फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग का इशू मेरे को ये लगा जो कि यहाँ पर आ रहा था इंटर्न के गिटार्स में, बाकी ओके है। अब हमारी जो है ये स्ट्रिंग सारी फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिंग्स हैं इसमें, एंड जैसा कि मेंशन है लिंडन वुड का हमारा पूरा गिटार है, सो या इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू, अगर मतलब बिगनर्स इसको लेना चाहते हैं तो 2500-2600 में मतलब खर्च के आप एक अच्छा गिटार ले सकते हो इंटर्न का, ज्वारिस के कंपैरिजन में आई मस्ट से कि हाँ इंटर्न का गिटार इज़ मच बेटर बिकॉज ऑफ द फील ऑफ द कलर्स ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द ट्यूनर पेग्स, ये स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, तो उसके कंपैरिजन में मेरे को ज्वारिस का गिटार जो था वो थोड़ा सा डाउन लगा इंटर्न के गिटार से। अब मेरे को नहीं पता यार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा कहता है, बट हाँ इंटर्न का गिटार मेरे को काफ़ी बेटर लगा उससे, सो या अगर एंड हाँ मैं अनबॉक्सिंग की वीडियोस जल्द से जल्द लेकर आता रहूँगा, तो अगर कोई गिटार आपके मन में है जो कि आप चाह रहे हो कि मतलब लेना या फिर प्लान करना, अगर आप सोच रहे हो तो हाँ उसके लिए भी मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना। एंड या एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसमें ऑलरेडी आपको बटन्स अवेलेबल हैं स्टार्टिंग से, तो आप अपनी स्ट्रैप को बहुत इजीली यहाँ पे अटैच कर सकते हो, बाकी गिटार के अंदर आपका EQ या फिर प्रीएम्प या फिर पिकअप लग कर नहीं आया, कुछ भी लग कर नहीं आया, सो हाँ आप उसको इंस्टॉल अलग से करवा सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपका गिटार में नहीं, नीचे भी नहीं है, हाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके गिटार में ये चीज़ें नहीं आई है, आपका पिकअप इक्वलाइजर वगैरह नहीं आया, एकदम सिर्फ सिंपल अकूस्टिक गिटार उठकर आया हुआ है और कुछ नहीं, सो या इट इज़ अ नाइस ऑप्शन, छोटा साइज में थोड़ा सा एंड थोड़ा सा हैंडी भी है, हल्का भी है, पतला भी है गिटार यहाँ से, सो दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू वीडियो। एंड जैसा मैं कह रहा था कि अगर कोई गिटार आपके मन में है जिसको आप रिव्यू लेना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना या फिर व्हाट्सएप नंबर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जो मैंशन रहता ही है, तो उस पर भी जाके मेरे को प्लीज़ बस गिटार का मॉडल टेक्स्ट कर देना, एंड जितना जल्दी हो सकेगा जैसी थोड़ा सा फंडिंग का इशू मेरे को लगेगा हो जाएगा क्लियर, तो मैं उस गिटार को मंगवा कर एक उसका रिव्यू ज़रूर दे दूंगा। एंड अगर आपको ये पीस मतलब मेरे यार ये पीस अब कोई यूज़ का नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने जस्ट इसको अनबॉक्स करा आप लोगों के लिए, एंड आई विल बी जस्ट पैकिंग इट बैक विद दिस स्टिकर, सो अगर आपको ये वाला गिटार जो कि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया अच्छी तरह से पूरा टेस्ट कर लिया वीडियो में अनबॉक्स करके दिखा दिया, अगर इस गिटार को आपकी लेने की इच्छा हो सो प्लीज़ जस्ट DM मी फॉर प्राइजेस, DM अगर करना चाहते हो तो इंस्टा पे कर लो या फिर व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी अवेलेबल कहीं भी, मेरे को आप बस एक टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो एंड आई विल बी सीइंग इट सून, सो वहीं पे अपनी प्राइजेस की भी बात हो जाएगी अगर आप इसको लेना चाहते हो तो, और कुछ नहीं बस हाँ ये है कि मैंने इसको ट्यून कर लिया, मैंने इसका साउंड चेक भी आपको दे दिया एंड मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से चेक भी कर लिया है, क्रैक्स वगैरह या फिर मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी डिफेक्ट हो सो आप निश्चिंत होकर ये गिटार ले सकते हो, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस, अगर ये अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको इस गिटार का रिव्यू जानने में इस गिटार के बारे में जानने में हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब विद द बेल आइकन ताकि आपको आगे आने वाले गिटार लेसन्स कवर्स अनबॉक्सिंग्स जो भी अपडेट्स आएँ वो सारे देखने को मिलते रहें, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे, आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।